वेलकम बच्चों, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। अब फाइनली हम कुछ बहुत ही बढ़िया और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं एक साथ इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, और जो भी क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ उसको पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट, देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है सॉल्व टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। बेसिकली क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, सबसे पहले आप एग्जाम में फॉर्मूला कोड करिए। ठीक है, और जहाँ भी जो भी फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हो उस फॉर्मूले को वहाँ पर कोड जरूर कीजिए। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है व्हेन एक्स वाई इज लेस देन वन। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए। तो टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो टेकिंग LHS है ना, फर्स्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। चलिए तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन वन माइनस 2x इंटू 3x यानी 6x2। ठीक है, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स हाउ मच 5x अपॉन वन माइनस 6x2। ठीक है, अब इक्वेटिंग दिस टू RHS। ठीक है जी, इक्वेटिंग दिस टू आर एच एस, दिस टू आर एच एस क्या मिल जाएगा हमको, हमको मिल जाएगा 5x अपॉन वन माइनस 6x2 इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4। ठीक है, और टेन पाई बाई 4 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, देखिए इक्वेशन क्या बन के आएगी बच्चों, इक्वेशन बन के आएगी 5x इज इक्वल टू वन माइनस 6x2। 5x, दिस इम्प्लाइज दैट 5x इज इक्वल टू वन माइनस 6x2। दिस इज द इक्वेशन, मैं 6x2 को राइट में लेके जाऊंगा, सिंपल रीराइटिंग कर रहा हूँ। 6x2 प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, होपफुली आप लोग यहाँ तक आ चुके होंगे। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा देखो। तो देखिए, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और ये क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपको आता है बच्चों, टेंथ क्लास में आपने सॉल्व किया है। तो 6x माइनस x 5x हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, 5x को स्प्लिट करके 6x माइनस x लिख दिया, बिकॉज 6 और माइनस 1 का प्रोडक्ट और 6 और माइनस 1 का प्रोडक्ट सेम होता है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से मैंने यहाँ से 6x कॉमन निकाल लिया, आई विल लेफ्ट विथ x प्लस 1, और यहाँ से मैंने माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, आई विल लेफ्ट विथ x प्लस 1 अगेन। ठीक है जी, तो दिस विल गिव यू, फैक्टराइज कर दिया इसको, x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मुझे x की दो वैल्यू मिलेंगी और दोनों ही वैल्यू को मैं ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करूंगा कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मुझे एक वैल्यू मिल गई x की माइनस 1 और दूसरी वैल्यू मिल गई 1/6। तो बच्चों सिंस यदि x माइनस 1 लूँगा तो ये दोनों वैल्यूज ही निगेटिव हो जाएंगी, बट राइट साइड पॉजिटिव है, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट सेटिस्फाइंग, इज नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। ठीक है जी, आपको लिख के आना पड़ेगा। देयरफॉर 1/6 इज सेटिस्फाइंग दिस, बिकॉज आपको पता है कि टेन इनवर्स सम पॉजिटिव वैल्यू प्लस टेन इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड भी पॉजिटिव है, इतना काफी है। तो 1/6 इज द राइट आंसर, सॉल्व लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए x इज इक्वल टू 1/6 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है कि टेन इनवर्स दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स x, साथ में x की रेंज भी दी हुई है कि x किस इंटरवल में बिलोंग करता है, 1/√2 से 1 में बिलोंग करता है। देखिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही ना क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से समझ में आया था कि हम क्वेश्चन में क्या यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप सोचिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ उसका। देखिए, आपको टेन इनवर्स में वैल्यू लेके चलना है और आपको हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला निकल के
आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप एक्स को मान लो इसमें, जैसे आपको दिख रहा है कि चारों वैल्यूज में रूट ऑफ वन प्लस एक्स, रूट ऑफ वन माइनस एक्स है, तो समथिंग वन प्लस एक्स की जगह कुछ ऐसा आना चाहिए कि वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। सिमिलरली वन माइनस एक्स की जगह कुछ ऐसा आना चाहिए कि वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू की जगह क्या रखोगे कि वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स दोनों ही कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो बच्चों एक फॉर्मूला है वन प्लस कॉस टू थीटा का, ठीक है, और एक फॉर्मूला है वन माइनस कॉस टू थीटा का, ठीक है जी। वन प्लस कॉस थीटा होता है बच्चों टू कॉस स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कॉस टू थीटा होता है बच्चों टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। आपने पहले 11th क्लास में पढ़ रखा होगा ये फॉर्मूला, नहीं पढ़ा है, नहीं है याद, कोई बात नहीं, आप रिकॉल कर लीजिए और इन दोनों फॉर्मूलेज को याद रखिए, ठीक है। इस तरह की वैल्यू जब आ जाए, एक्चुअली आप जब इंटीग्रेशन भी करोगे तब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के मोस्टली फॉर्मूले जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं वो ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले में इंटीग्रेशन करते समय यूज़ हो जाएंगे। तो इन फॉर्मूलेज को आप ऐसे ही मत समझिए कि फॉर्मूले बड़े काम के हैं। इस कॉस थीटा की वैल्यू, अब यदि मैंने एक्स की जगह कॉस टू थीटा रख दूंगा तो ये बन जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा, यानी कि टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली सारी वैल्यूज कंप्लीट स्क्वायर बन जाएंगी और क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, आप एग्जाम में लिख के चलेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता रहेगा कि आप कर क्या रहे हो। फिर वैल्यू बन जाएगी टेन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस टू थीटा, यानी कि टू कॉस का थीटा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कॉस थीटा और रूट टू, बेसिकली रूट टू चारों तरफ निकलेगा तो कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप समझदार हो ना। रूट टू सब जगह से निकल के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 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 चारों तरफ रूट टू आएगा। चलिए तो माइनस वन माइनस कॉस टू थीटा, क्या जैसे वन एक्स की जगह रखा कॉस टू थीटा तो हो गया वन माइनस कॉस टू थीटा, यानी ये वैल्यू तो बच गया अंडर रूट ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा, रूट टू कैंसिल हो गया, साइन थीटा बच गया। सिमिलरली नीचे आ जाएगा बच्चों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब इसके बाद राइट हैंड साइड में देखो क्या है, पाई बाई फोर माइनस सम एंगल है, ठीक है। अब यदि मैं टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस थीटा करता हूँ, एक और फॉर्मूला आता है बच्चों, देखो समझ लो, आपको ये फॉर्मूले का बड़ा ही गेम है बच्चों। टेन बाई टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा इज इक्वल होता है वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा को मैं यदि साइन ऑफ साइन अपॉन कॉस लिख के ओपन करूंगा तो ये सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आपको यहाँ दिखाई दे रही है, देखो, ठीक है। यदि आपको टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा का फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, और ये जो स्ट्रक्चर है पाई बाई फोर माइनस थीटा वाला, ये राइट में दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि मैं यदि यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी वन माइनस टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा, ठीक है। क्या बन जाएगी, टेन इनवर्स वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, टेन इनवर्स, ये क्या है बच्चों, यहाँ से देख के बताओ, टेन ऑफ पाई बाई फोर, पाई बाई फोर माइनस थीटा, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। बट बच्चों ये देखो कि हम लोगों ने एक्स इजिकल टू कॉस टू थीटा माना हुआ है, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये वैल्यू निकल के कितनी आ गई, पाई बाई फोर माइनस थीटा, और थीटा क्या है, हाफ कॉस इनवर्स एक्स, हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। तो आपके कितना यूज़ हो रहा है फॉर्मूलेज का, एक दो और तीन, ये तीन फॉर्मूलेज आपके इस एक क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेज के बिना चल पाना बहुत मुश्किल है बच्चों। आप जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए इस चैप्टर में, सारे फॉर्मूले से एक अलग से कॉपी पर लिख के एज अ फॉर्मूला रजिस्टर बना के और उनको याद करो, ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है बच्चों। आप करोगे तो आप बहुत फ़ायदा उठाओगे, आपके जेई मेंस के लिए भी बच्चों ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट टेन ऑफ हाफ साइन इनवर्स थ्री बाई फोर इज इक्वल टू फोर माइनस रूट सेवन बाई थ्री। ये एक्चुअली 2013 CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लीजिए एक बार, फिर सॉल्यूशन देखिए। तो बेसिकली क्या है, हाफ साइन इनवर्स का एंगल है, उसको टेन के किसी एंगल में कन्वर्ट करना है, राइट, और फिर वैल्यू निकालनी है। देखिए
तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए टेन ऑफ हाफ ऑफ साइन इनवर्स 3/4। अभी 1/2 साइन इनवर्स है, ठीक है, यानी कि एक तरह से यदि मैं साइन इनवर्स को थीटा मान लूँ तो टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो मुझे फिर टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो लेट अस से, लेट अस अज्यूम, लेट साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो दिस विल गिव मी साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ये देगा 3/4। फिर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, टेन ऑफ 1/2 थीटा, यानी कि टेन थीटा बाई 2 बन जाएगा ना, एक तरह से। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये कॉपी पर नहीं लिखना आपको, ये बन जाएगा एक तरह से टेन थीटा बाई 2। तो आपको बेसिकली निकालना क्या है, यदि साइन इनवर्स 3/4 को थीटा मान लूंगा तो आपको टेन थीटा बाई 2 निकालना है। तो अब फिर अगेन फॉर्मूले का यूज़ आ गया, साइन थीटा को टेन थीटा बाई 2 के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक फॉर्मूला जो कि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, वो होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अभी तक हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो सिमिलरली यदि ये 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा होता तो साइन थीटा क्या होता, तो ये थीटा की जगह थीटा बाई 2 हो जाता, सिंपल है, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, साइन थीटा का आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या करोगे, अब टेन थीटा बाई 2 के लिए सॉल्व कर दोगे, इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। देखो आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो मैं आपको सॉल्व कर दिखा देता हूँ फटाफट, चलिए देखिए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं लेफ्ट में लेके गया और 4 को इधर लेके आ गया, तो बन गया 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 8 टेन थीटा बाई 2। समझ आ रहा है बच्चों, बेसिकली मैंने क्या कर लिया कि गिवन एक्सप्रेशन में साइन थीटा को 3/4 माना, या साइन इनवर्स 3/4 को थीटा मान लिया, उसके बाद ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को लगाते ही मुझे टेन थीटा बाई 2 की एक्सप्रेशन मिल गई। उस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व कर लूँगा, उस इक्वेशन को, एक्सप्रेशन नहीं इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा तो मुझे टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया 3 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 8 टेन थीटा बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद इसको हम डायरेक्टली फैक्टर नहीं कर सकते, इसको क्या करते हैं बच्चों, जो फॉर्मूला होता है ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। ये क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। तो सेम फॉर्मूला मैं इस इक्वेशन के लिए लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा, यहाँ देखिए बच्चों, टेन थीटा बाई 2 मुझे क्या मिल जाएगा, टेन थीटा बाई 2 मुझे मिलेगा, ये मिल जाएगा बच्चों माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 8, यानी कि 8 प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 यानी 36 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 3 6, दिस इज इक्वल टू 64 माइनस 36 बच्चों कितना हो गया 28, है ना। तो 8 प्लस माइनस 4, देखिए 28 का स्क्वायर रूट मतलब हो गया 2√7, ठीक है बच्चों, नीचे आ गया क्या 6, तो वैल्यू बच गई मेरे पास 4 प्लस माइनस √7 अपॉन 3। तो टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4 प्लस माइनस √7/3। तो क्या दो वैल्यू हो सकती है टेन थीटा बाई 2 की, चेक करते हैं। अब देखिए राइट साइड पॉजिटिव है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए 4 प्लस √7/3 करते हैं, ठीक है, देखिए अब हम लोगों ने क्या माना बच्चों, यदि टेन थीटा बाई 2 को 4 प्लस √7/3 मान लेता हूँ तो क्या होगा, ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, है ना, और टेन थीटा बाई 2 1 से बड़ा है मतलब थीटा बाई 2 45 डिग्री से बड़ा है, यानी कि थीटा 90 से बड़ा हो गया। और हमने माना है साइन थीटा को थीटा 90 से बड़ा है तो साइन इनवर्स 3/4 डिफाइन ही नहीं होगा, बिकॉज हमें पता है कि साइन इनवर्स डिफाइन क्या होता है, जब थीटा माइनस 90 से 90 के बीच में होता है। तो जो 4 प्लस √7/3 की वैल्यू है वो
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। दूसरी वैल्यू क्या है, 4 माइनस रूट सेवन बाय थ्री, ठीक है। दिस वैल्यू इज़ लेस देन 1, तो थीटा बाई 2 हो गया 45 डिग्री से छोटा, तो थीटा हो गया 90 डिग्री से छोटा, तो ये साइन इनवर्स 3/4 को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई 4 माइनस रूट सेवन बाय थ्री, और आप लॉजिक लिख दोगे एग्जाम में कि सिंस 4 प्लस रूट सेवन बाय थ्री इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर थीटा बाई 2 विल बी ग्रेटर देन 45 डिग्री, हैंस थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, विच इज़ नॉट द फिजिबल सॉल्यूशन फॉर साइन इनवर्स 3/4। देयरफॉर 4 प्लस रूट सेवन बाय थ्री को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे, एंड द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 4 माइनस रूट सेवन बाय थ्री। इस तरीके से बच्चों जब भी आप इस तरह का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की इक्वेशन को सॉल्व करोगे फॉर सम वेरिएबल, तो फाइनली आप आंसर को क्रॉस चेक करना क्वेश्चन में रख के कि वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। जनरली ऐसा होता है कि दो में से एक ही सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है, ऐसी गलती मत करना कि दो वैल्यूज निकली दोनों को लिख के आप आ गए, ठीक है, ये स्टेप मिस मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सॉल्व फॉर साइन इनवर्स 1 माइनस x - 2 sin inverse x = π/2, ठीक है बच्चों। टिपिकल सी प्रॉब्लम है, एक बार आप ट्राई कीजिए आपसे बन जाएगी प्रॉब्लम। साइन इनवर्स 1 माइनस x - 2 sin inverse x = π/2 पे इक्वल रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए अब ये साइन इनवर्स माइनस सम साइन इनवर्स 1 माइनस x और साइन इनवर्स x होता तो हमको साइन x माइनस साइन y के फॉर्मूले से यूज़ करके ओपन कर सकते थे, लेकिन ये 2 sin inverse x है, तो बेटर तरीका क्या होगा कि इसको राइट में लेके जाओ, और सिंस ये इक्वेशन है हमें कोई प्रूफ तो करना नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करनी है, तो हम इसको राइट में ले जा सकते हैं। तो दिस विल बिकम साइन इनवर्स 1 माइनस x = π/2 + 2 sin inverse x, ठीक है। अब दोनों साइड का साइन ले लो, यानी कि तो ये हो गया 1 माइनस x = sin π/2 + 2 sin inverse x, ठीक है जी। अब साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस ऑफ 2 sin inverse x हो गया, ठीक है, ये हो गया कॉस ऑफ 2 sin inverse x। लेफ्ट में क्या है 1 माइनस x। अब कॉस ऑफ 2 sin inverse x है तो कॉस 2 थीटा क्या होता है, आपको कॉस 2 थीटा फॉर्मूला मैं फिर से डिमांड करता हूँ, कॉस 2θ = 2cos²θ - 1 एंड 1 - 2sin²θ। तो ये सोच के बताओ मुझे भी जल्दी से कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला मुझे यहाँ यूज़ करना चाहिए कॉस 2θ के लिए। यदि साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये बन जाएगा कॉस 2θ, तो मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए, ऑब्वियसली साइन वाला यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो कॉस 2θ का फॉर्मूला हो गया 1 - 2sin²θ - 1 - 2x², क्योंकि साइन थीटा को एक्स मान लिया हमने यहाँ पर, तो 1 - x = 1 - 2x², तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, क्या बच गया 2x² = x, ठीक है बच्चों, क्या बच गया 2x² = x, ठीक है। मैं लेफ्ट में लेके गया इसको, तो 2x, ठीक है, -1 × x = 0, यही हो गया ना, x कॉमन निकाल दिया तो 2x² - x गया, ये आ गया। तो दिस विल गिव यू इधर x = 1/2 और x = 0। अब आप चेक करो कि x = 0 और x = 1/2 दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है। देखो पहले x = 0 ट्राई करते हैं, x को 0 रखा तो साइन इनवर्स 1 हो गया π/2 और ये हो गया 0, तो सेटिस्फाई कर गया, तो x = 0 इज द सॉल्यूशन 1। x = 1/2 रखते हैं तो साइन इनवर्स 1 - 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, यानी π/6, और ये भी हो गया साइन इनवर्स 1/2 मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री × 2 = 60, तो -30 डिग्री, यानी कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x = 1/2 क्या करेगा बच्चों, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग। आप लिख दोगे सिंस x = 1/2 इज नॉट सेटिस्फाइंग द ओरिजिनल इक्वेशन, देयरफॉर x = 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।